नेताजी से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइल दुनिया के सामने आने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। नेताजी के परपौत्र चंद्र कुमार बोस का आरोप है कि मौत की मिस्ट्री से जुड़ी सबसे अहम फाइल को आज से 43 साल पहले नष्ट कर दिया गया था और ये काम किया है पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने। नेताजी के परपौत्र का यह भी आरोप है कि सीएम ने इंदिरा गांधी के कहने पर इस फाइल को नष्ट करवाया था। ये वो फाइल थी जिसके सामने आने पर नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझ जाती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री पर संगीन आरोप। नेताजी से जुड़ी फाइल जलाने का आरोप। इंदिरा गांधी की भूमिका पर भी सवाल। नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें जो कल तक कॉन्फिडेंशियल थी वो अब सबके सामने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हाथों से इन फाइलों की शक्ल में नेताजी की जिंदगी के पन्नों को देश के हवाले कर दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री पर नेताजी से जुड़े सबसे अहम फाइल को नष्ट करने का आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है नेताजी के बड़पोते चंद्र कुमार बोस ने। बोस ने साफ साफ कहा कि नेताजी की मौत के रहस्य से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण फाइल को आज से 43 साल पहले ही तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर रे ने नष्ट कर दिया था और उन्होंने ये किया इंदिरा गांधी के कहने पर। 1972 में सिद्धार्थ शंकर राय जब मुख्यमंत्री था पश्चिम बंगाल का, उन्होंने एक क्रिटिकल फाइल जो ऊपर में लिखा है रिगार्डिंग डिसअपियरेंस ऑफ नेताजी, ये फाइल का कल फर्स्ट पेज है, बाकी फाइल नष्ट किया गया है। मस्ट बी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इंदिरा गांधी, बिकॉज इंदिरा गांधी ने एक ही फाइल जो दिल्ली आईबी में था वो फाइल उन्होंने नष्ट किया है, ये मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। तो आज हम लोग का जो मांग है, भारत सरकार एक क्लासिफाइड फाइल, पश्चिम बंगाल सरकार एक क्लासिफाइड फाइल कैसे नष्ट कर सकता है, इसका कोई जवाब तो देने पड़ेगा। चंद्र कुमार बोस के आरोप पीएमओ की उस आरटीओ के जवाब से मेल खाते हैं जिसकी जानकारी मिशन नेताजी संगठन की ओर से मांगी गई थी। इस साल अप्रैल में आई इस जानकारी में बताया गया कि फाइल को नष्ट करने की घटना 1972 की है और उस वक्त इंदिरा गांधी पीएम थी। कहा गया था कि कुछ फाइलों को नष्ट करने का आदेश सीधे पीएमओ से आया था। एक पूर्व मंत्री के मुताबिक नेताजी से जुड़ी नेहरू की फाइलों को इंदिरा गांधी के सचिव बीएन हक्सर के कहने पर नष्ट किया गया था। फाइल को नष्ट करने की टाइमिंग भी अहम है क्योंकि उसी समय खोसला आयोग नेताजी की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रहा था। सन 1972 में जब खोसला कमीशन काम कर रहा था और वो नेताजी की डेथ के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तो एक फाइल डिस्ट्रॉय की गई थी जिसका पूरा जो नेताजी के मरने से जुड़ी हुई थी उस पर इंक्वायरी के बारे में थी। तो कमाल की बात यह है कि सरकारी फाइलें खासकर ऐसे सब्जेक्ट पे जो हिस्टोरिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें रूल्स के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, इलीगल है, वो कानून के खिलाफ है। और वहाँ तो डबल उनके ऊपर प्रेशर ये था कि आपके सामने कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रही है जिस कमीशन को पता लगाना है कि नेताजी मरे हैं कि नहीं मरे हैं। तो उस कमीशन को फाइल देने की बजाय ये जो फाइल सन 56 में बनी थी पंडित जी के टाइम पे, इंदिरा सरकार ने उस फाइल को जला दिया। और तो ये खुल्लम खुल्ला मतलब धज्जियाँ उड़ाती उन्होंने कानून की और उसको जलाने का मेरे ख्याल से यही मतलब था कि उनको इशू को छुपाना था। हैरानी की बात है कि नेताजी की मौत से जुड़ी फाइल को इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर ने अनवांटेड करार दिया था। हक्सर ने अपने नोट में लिखा था, रिकॉर्ड रूम के बोझ को कम करने के लिए अनावश्यक फाइलों को नष्ट किया गया, ये फाइल उनमें से एक थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइल है, सुनने में आया था कि वो पंडित जी की बड़ी खास फाइल थी और पीएन हक्सर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी जी के, उनके ऑर्डर पे डिस्ट्रॉय हुई। तो मुझे उम्मीद है कि हक्सर साहब तो कोई पर्सनल उनकी दुश्मनी थी नहीं सुभाष बोस के साथ में, तो मैडम ने ऑर्डर किया होगा उनको। ये बात करीब 28 साल तक पर्दे में रही। साल 2000 में मुखर्जी आयोग नेताजी की मौत के मामले की जांच कर रहा था, उसने पीएमओ से एक फाइल मांगी। इस फाइल का नंबर था 12226/56 PM और इसका टाइटल था इन्वेस्टिगेशन इनटू द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पीएमओ के डायरेक्टर ने आयोग से कहा कि वो फाइल नष्ट की जा चुकी है। बताया जाता है कि इस फाइल को 3 मार्च 1972 को नष्ट कर दिया गया था।
आयोग ने पीएमओ से पूछा कि उस फाइल में क्या था और उसे नष्ट क्यों किया गया। पीएमओ का जवाब आया, उस फाइल में कैबिनेट के फैसले का एक पेपर था, इसमें नेताजी की मौत से जुड़े हालात पर जांच का ब्यौरा था। उसे 1972 में रूटीन तरीके से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा फाइल नंबर 2381/6066 पीएम का भी पता नहीं चल पा रहा है। इस फाइल में नेताजी के अवशेषों को भारत लाने से जुड़े दस्तावेज थे। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन काम कर रहा था, तो उन्होंने इस मामले की तह पे जाने की कोशिश की थी, तो उनको पता लगा कि गृह मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट दो अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी अलग बात बोल रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि आप जाकर के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से पूछें, उनके पास में शायद रिकॉर्ड होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया, तो सरकार को खुद ही नहीं पता कि हो कह रहा है। तो उनका कुछ लोगों का मत ये भी था कि इन्होंने फाइल जलाई नहीं है, उन्होंने छुपा दी है कहीं डर के मारे। नेताजी से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइल के सामने आने के बाद भी नेताजी की मौत से जुड़ी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। और इन सब के बीच चंद्रकुमार बोस के इस नए आरोप के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले की जांच की मांग उठने लगी है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सके। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। नेताजी की बिस्तरी में इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे के साथ एक और बड़ा किरदार है, और ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताया जाता है कि पंडित नेहरू ने आईबी की मदद से नेताजी और उनके परिवार की जासूसी करवाई थी। हालांकि कांग्रेस इन सारे आरोपों को खारिज कर रही है। 64 फाइलें, 12,744 पन्ने, ये वही फाइलें हैं जिसे कल पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। इन फाइलों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सारे राज आजादी से पहले के हैं। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। यही वजह है कि इन फाइलों से अब तक नेताजी से जुड़े सारे सच सामने नहीं आए हैं, यानी कई ऐसे राज हैं जो फाइलों में दफ्न हैं। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कई साल बाद तक नेताजी और उनके परिवार की जासूसी होती रही है। नेताजी के परिजन भी इस ओर इशारा करते हैं। Today it has been established that certain icons of the independence era are look like villains. It should be completely exposed. Who are the villains of independent India? 1948 से 1968 के बीच नेताजी के परिवार वालों पर आईबी के एजेंट की नजर बनी हुई थी। इन 20 साल में से 16 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक नेताजी के कोलकाता के दो घर आईबी की निगरानी में थे। इनमें से एक वुडबर्न पार्क और दूसरा 38/2 एल्गिन रोड था। बोस के घरों की जासूसी अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसे नेहरू सरकार ने जारी रखा। मेरे पीछे तीन मूर्ति भवन है। आजादी के बाद वर्षों तक देश की सत्ता की केंद्र बिंदु ये बिल्डिंग रही। यहीं रहकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 16 सालों तक देश की कमान अपने हाथों में रखी, लेकिन इन्हीं 16 वर्षों में उनकी सरकार के ऊपर एक आरोप लगा है, और वो आरोप है सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराने का। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक कोई दस्तावेज सामने नहीं आते, इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए। If anybody today say that, you know, Pandit ji was given instruction to snoop on Netaji and all these things, that will be a wrong reading of history. So let this declassified files come out, let things come out. Better not to make any emotional kind of reaction on this issue.